बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में भी घूम रहे थे जब मैं नया नया बाइनरी ऑप्शंस में आया था। बाइनरी ऑप्शंस को स्टार्टिंग से ही कहा गया है कि ये तो एक स्कैम है, बाइनरी ऑप्शंस रियल ट्रेडिंग नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कोई भी चीज अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हो तो आपके अंदर थोड़ी सी एंजाइटी तो होती ही है। और मैं दूसरी बात भी क्लियर कर दूं कि अगर लोगों की बात सुन के आप किसी भी चीज को चालू करोगे, जो लोग कहते हैं वैसे ही आप उस पे काम करोगे। एग्जाम्पल के लिए किसी ने कह दिया कि बाइनरी ऑप्शंस फ्रॉड है, तो आपके लिए बाइनरी ऑप्शंस फ्रॉड ही हो जाएगा। और अगर किसी ने कह दिया कि बाइनरी ऑप्शंस एक ट्रेडिंग है, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और आप बाइनरी ऑप्शंस को एक ट्रेडिंग की तरह लोगे, ना कि एक जुए की तरह। अब दुनिया में सिर्फ बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग तो है नहीं, दूसरी भी ट्रेडिंग है, जैसे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट वाली और फॉरेक्स ट्रेडिंग, बहुत सारी तरीके की ट्रेडिंग है, उसको तो ट्रेडिंग कहते हैं लोग, लेकिन बाइनरी ऑप्शंस को लोग सट्टा कहते हैं, गैम्बलिंग। क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों के अंदर नॉलेज नहीं है। इसके लिए मैं कहता हूं पहले लर्निंग पे इन्वेस्ट करो। अगर आपको मेरा वन-ऑन-वन कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोग ये सोचते हैं कि ये पूरा सिस्टम स्कैम है। 1 मिनट में अगर आपको नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट करनी है तो कैसे करोगे, वो तो स्कैम है। इस हिसाब से मैं तो कहूंगा कि जो लोग स्काल्पिंग करते हैं, मतलब छोटे टाइम की ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स में, स्टॉक मार्केट में, वो भी स्कैम हुआ, क्योंकि बाइनरी में भी तो वही हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ध्यान से आपको चीजों को समझना होगा। अगर कोई भी कहता है ना कि कोई चीज स्कैम है, तो एटलीस्ट पहले खुद ट्राई करो और उससे पूछ लो कि तुमने क्या ट्राई किया, क्या तुमने इससे पैसा बनाया या तुमने इससे पैसा लॉस किया। अगर लॉस किया है तो वो नेगेटिव ही बात करेगा, कुछ ऐसा तो बोलेगा नहीं कि लॉस किया मैंने बहुत अच्छी बात की, नहीं, लॉस किया तो वो ऐसा ही बोलेगा कि ये प्लेटफॉर्म स्कैम है। अब उससे पूछना कि लॉस कैसे किया, क्या उसको प्राइस एक्शन आता था, क्या उसको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आती थी, या वो इंडिकेटर या किसी के सिग्नल लेके लॉस किया। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। किसी की भी बात सुन के पहले तो आओ ही मत। मार्केट में आ रहे हो, आपका डिसीजन है, आप खुद आ रहे हो, आप खुद जिम्मेदार हो लॉस के या प्रॉफिट के। अगर आपको लॉस नहीं करना तो लोगों की बातें सुनना बंद करो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप लोगों की बात सुन के कोई भी चीज को ट्राई करोगे, बाइनरी ऑप्शन ही नहीं कोई भी, तो आपको हो सकता है कि वहां पे लॉस झेलना पड़े। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग स्कैम नहीं है, बाइनरी ऑप्शन एक ट्रेडिंग है। अगर आप ब्लाइंडली करोगे, आंख पे पट्टी बांध के ट्रेडिंग करोगे, तो बाइनरी ऑप्शंस तो क्या, कोई भी ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, आप जुआ खेलोगे। अगर मैं आपको आंख बंद करके कहूं कि आपको कोई गेम खेलनी है, तो वो क्या होगी, वो गैम्बलिंग ही होगी, क्योंकि उसमें आंख बंद होगी और आपको कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि आंख खुली होगी तो भी आप क्या कर लोगे। लेकिन बाइनरी ऑप्शंस में लॉजिक चलता है, बाइनरी ऑप्शंस में कैंडलस्टिक को एनालाइज करना पड़ता है, उस पे सब कुछ डिपेंड होता है। आप कैसे एनालाइज करते हो, आपका एनालिसिस कितना परफेक्ट है, उसके हिसाब से आप आगे ट्रेड लेते हो। तो आशा करता हूं कि आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। अगर आपको मेरा वन-ऑन-वन कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल स्क्रीन पे, कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।